नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो है उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर मार्च 2023। तो मार्च 2023 की ये मंथली करंट अफेयर की वीडियो है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर एक, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा। तो वर्ष 2024 की बात हो रही है, जो कि 38वां राष्ट्रीय खेल होंगे, तो इसकी मेजबानी करने वाला है उत्तराखंड। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड करेगा 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, पीएम आवास योजना में देश में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से नंबर पर है। तो जो पीएम आवास योजना है भारत सरकार की, तो इसमें जो उत्तराखंड है ये राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से नंबर पर यहां पर आता है। तो उत्तराखंड आता है तीसरे नंबर पर। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जो पीएम आवास योजना, इसमें उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। अगर बात करें पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो झारखंड है फर्स्ट नंबर पे और गुजरात है सेकंड नंबर पे, और इसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर तीन है, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो जो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया गया स्वच्छ सुजल शक्ति, तो इससे सम्मानित किसे, कितनी महिलाओं को किया गया उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में किया गया है दो महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित। डिटेल जान लेते हैं। तो जो ये समारोह हुआ था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में, यहां पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 समारोह इसमें आयोजित किया गया था। और यहां पर जो ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली वीमेन्स चैंपियनशिप चैंपियन है, इनको महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। इसमें उत्तराखंड की दो महिलाओं को, दो ग्राम प्रधानों को, एक है निकिता चौहान जो कि ग्राम प्रधान है जोशी गोठान देहरादून की, और दूसरी है कविता गोस्वामी जो कि ग्राम प्रधान है ग्राम पंचायत बागेश्वर की। तो इन दोनों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्न में से किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया एवं G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया। तो G20 सम्मेलन पर व्याख्यान किसने दिया, जो कि उत्तराखंड का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, तो उनका नाम है दिव्या नेगी। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो दिव्या नेगी ने G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया। तो जो दिव्या नेगी है ये टिहरी की है, और इन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। जो दिव्या नेगी है, इन्होंने 1 मार्च को जो दिल्ली संसद भवन है यहां पर आयोजित की गई थी राष्ट्रीय युवा संसद, और इसमें यहां पर इन्होंने पहाड़ी वेशभूषा में 3 मिनट का व्याख्यान दिया G20 सम्मेलन में, जो जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और जो यहां पर जिस पर इन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया, उन्होंने एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, तो ये उनका, इस पर उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण दिया। क्वेश्चन नंबर फाइव है, किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। तो एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड सरकार ने की है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो एकल महिलाओं के लिए ये स्वरोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बैंकॉक में आयोजित 7वीं एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में उत्तराखंड के जयप्रकाश ने कांस्य पदक जीता, यह किस जिले के निवासी हैं। तो जो जयप्रकाश है, जिन्होंने कि बैंकॉक में जो आयोजित की गई थी 7वीं एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप, तो इसमें जो उत्तराखंड के जयप्रकाश है, इन्होंने कांस्य पदक जीता, तो ये किस जिले के निवासी हैं। तो यह है उधम सिंह नगर। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, उत्तराखंड के कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया। तो 2022-23 से जो कि शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार है, 2022-23 से कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। तो 17। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 17 शिक्षक शिक्षिकाओं को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर आठ है, आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा जारी
फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी FLN इस रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड किस स्थान पर है, जो कि रिपोर्ट कौन सी है, FLN रिपोर्ट है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, तो इसमें उत्तराखंड पर्वतीय जो हिमालयी राज्य है उसमें किस स्थान पर है, तो उत्तराखंड है यहां पर छठे स्थान पर, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हिमालयी राज्यों में जो सिक्किम है इसने 56.75 का स्कोर प्राप्त किया और प्रथम स्थान पर रहा, और जो सबसे खराब स्कोर हुआ है वो मेघालय का है 29.66। उत्तराखंड छठवें नंबर पर यहां पर है और उत्तराखंड का स्कोर है 46.57। क्वेश्चन नंबर 9 है, पशुधन क्षेत्र से संबंधित NLM का पूरा नाम क्या है, तो पशुधन क्षेत्र से संबंधित NLM जो है इसका पूरा नाम है नेशनल लिविस्टॉक मिशन, तो नेशनल लिविस्टॉक मिशन है NLM का पूरा नाम। NLM की बात करें तो ये केंद्र सरकार की स्कीम है और इसका उद्देश्य है भेड़ बकरी सुअर पालन में नस्ल सुधार और उनके विकास पर ये काम करते हैं। अगर बात करें NLM तो इसके तहत उधम सिंह नगर के बाजपुर और सितारगंज, तो यहाँ पर NLM के तहत 4 पशुधन खेती परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन एंटरप्रेन्योरशिप समिट का आयोजन कहाँ किया गया, तो 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था काशीपुर में, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर है IIM काशीपुर, तो यहां पर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट FIED, तो FIED की तरफ से IIM काशीपुर में 7वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जिसका नाम है उत्कृष्ट 2023, इसकी मेजबानी यहां पर IIM काशीपुर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 है तो इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, ऋषिकेश में, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, तो इसकी ओर से 1 मार्च 2023 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ऋषिकेश में गंगा तट पर इसका शुभारंभ किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 है ये ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से परमजीत बिष्ट ने एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया, तो जो परमजीत बिष्ट है इन्होंने एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया, तो इन्होंने के यहां पर 19वां स्थान, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो चमोली जिले के हैं परमजीत बिष्ट और इन्होंने जापान में आयोजित एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में 19वां स्थान हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, तो उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर बनेगी, तो ये बनेगी हल्द्वानी में, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में बनेगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस किस को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया, उत्तराखंड रत्न से इनमें से किस किस को यहां पर सम्मानित किया गया, तो लक्ष्मी भट्ट एवं दिव्या नेगी, ए ऑप्शन, तो लक्ष्मी भट्ट और दिव्या नेगी को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया, जो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार है तो इससे लक्ष्य सेन और चंदन सिंह इन दोनों को ही सम्मानित किया गया, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। तो जो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार है तो इससे लक्ष्य सेन और चंदन सिंह इन दोनों को सम्मानित किया गया। डिटेल जान लेते हैं, तो जो 24 मार्च 2023, तो इस दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित की गई थी खेल पुरस्कार समारोह, और इसमें जो राज्य की खेल प्रतिभाओं को जो कि
2019-20, 2020-21 और 21-22 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। तो ये जो तीन पुरस्कार है, तो ये दिए गए इन 3 साल के जो प्रतिभागी थे 19-20, 20-21 और 21-22 के लिए। कौन कौन से ये पुरस्कार है? पहला है देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार उत्तराखंड, दूसरा है देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और तीसरा है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। देखते हैं कौन कौन सा पुरस्कार किसे मिले हैं। पहले बात करें देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, तो ये वर्ष 2019-20 के लिए जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन और 20-21 के लिए एथलीट जो खिलाड़ी हैं वो है चंदन सिंह, तो इन दोनों को मिला है देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो वर्ष 2019-20 के लिए जो बैडमिंटन प्रशिक्षक हैं धीरेंद्र कुमार सेन को मिला, 2021 के लिए ताइक्वांडो प्रशिक्षक हैं कमलेश कुमार तिवारी इनको मिला, और वर्ष 2021-22 के लिए जो तीरंदाजी प्रशिक्षक हैं संदीप कुमार डुकलान, तो इन 3 व्यक्तियों को इन 3 सालों का ये प्रशिक्षक के लिए मिलता है देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगर बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो ये वर्ष 2021-22 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुरेश चंद्र पांडे को, जो एथलेटिक्स में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें प्रदान किया गया सुरेश चंद्र पांडे को। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड राज्य में, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। डिटेल जान लेते हैं, तो एशिया का सबसे बड़ा जो कि 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसे 21 मार्च को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया। कहां पर है ये? नैनीताल में। तो टेलीस्कोप का आधिकारिक जो उद्घाटन है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया, जो कि केंद्रीय मंत्री है, और उत्तराखंड के नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरीज, एरीज में इस जो टेलीस्कोप का स्थाप ये टेलीस्कोप एरीज में स्थापित किया गया। एरीज बोले तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। तो यहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का स्थापित किया गया उत्तराखंड के देवस्थल में 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में रेस वॉक में स्वर्ण पदक हासिल किया, यह कहां की निवासी है? तो जो मानसी नेगी है, तो ये कहां की निवासी? यह है चमोली की निवासी, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड के चमोली निवासी एथलीट है मानसी नेगी, और इन्होंने चेन्नई में चल रही 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक मीट में मानसी ने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है। ये तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित की गई थी 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक मीट। इसमें जो उत्तराखंड की एथलीट है मानसी नेगी, इन्होंने 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में 1 घंटा 41 मिनट 51 सेकंड के समय में स्वर्ण पदक हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसने इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया? तो इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल किसने यहां पर प्राप्त किया? मंगत राम गुप्ता ने। तो मंगत राम गुप्ता ने इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 19 है, 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने जीता? तो 13वीं जो राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई, इसमें स्वर्ण पदक इनमें से किसने जीता? तो इनमें से जीता है प्रतिभा थपलियाल ने स्वर्ण पदक। सीनियर जो 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई, तो इसमें प्रतिभा थपलियाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की है, 41 वर्षीय गृहिणी है प्रतिभा थपलियाल, तो इन्होंने मध्य प्रदेश के रतलाम में भारतीय बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन द्वारा जो आयोजित की गई थी 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, तो इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 20 है,
किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो जो इसरो के द्वारा किए गए भूस्खलन सूचकांक के जो आंकड़े हैं, इसमें कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये है रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। तो ये दो शहर शीर्ष पर हैं। तो ये पिछले 2 दशकों से इन्होंने, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो ने, उपग्रह के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के जो दो जिले हैं, रुद्रप्रयाग और टिहरी, ये भूस्खलन के सबसे अधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं, ये इन्होंने अपनी स्टडी से निकाला है। तो ये दो जिले शीर्ष पर हैं भूस्खलन सूचकांक में। तो दोस्तों ये हो गए इस मंथ के करंट अफेयर, जो कि मार्च 2023 के। हमारी जो सभी नोट्स हैं करंट अफेयर की, वो आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट में जरधारी क्लासेस.in, या आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं गूगल पर जरधारी क्लासेस.in। वहां पर पिछले 2 से 3 सालों के करंट अफेयर का ई बुक फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप ई बुक ले सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।